हाय एवरीवन, वेलकम टू डेकनी फूड जायका। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चटपटी मज़ेदार गोश्त और चावल की कड़ी बनाने की रेसिपी देखेंगे, जिसे हर कोई खाना पसंद करते हैं। तो चलिए देखते हैं गोश्त चावल की कड़ी बनाने की रेसिपी। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। 4 टेबलस्पून राइस लेंगे और उसे भिगा लेंगे। इमली लेंगे और उसे भी भिगा लेंगे 20 मिनट्स तक, और उसका खट्टा निकाल लेंगे। 6 से 7 टमाटर लेंगे और उसे बारीक चॉप कर लेंगे। 2 प्याज लेंगे और उसे भी फाइन चॉप कर लेंगे। रेगुलर मसालों में हम लेंगे 2 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1/2 टेबलस्पून हल्दी, 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून सॉल्ट। हरे मसालों में हम लेंगे 5 से 6 हरी मिर्च और करियापाक। इसके अलावा हम लेंगे 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून गरम मसाले का पाउडर। चावलों को 1 घंटा भिगने रखेंगे और उसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे मिक्सी में। इमली को 20 मिनट्स तक भिगने रखेंगे और उसका खट्टा निकाल लेंगे। टमाटर चॉप कर लेंगे। मटन हम यहाँ बोन्स वाला लेंगे। मैंने यहाँ पर 400 ग्राम्स मटन लिया है। प्याज लेंगे और उसे चॉप कर लेंगे। ये रहे इंग्रेडिएंट्स। अब चलिए गोश्त और चावल की कड़ी बनाने का प्रोसीजर देखते हैं। सबसे पहले फ्लेम ऑन कर लेंगे और उस पर एक कुकर रख लेंगे। फ्लेम को हम हाई रखेंगे। कुकर में 1/2 कप ऑयल ऐड कर लेंगे और उसे धीमा गर्म कर लेंगे। अब हम इसमें चॉप की हुई ऑनियन ऐड कर लेंगे। ऑनियन को 2 मिनट्स तक ऑयल में फ्राई करेंगे। इसमें हम अब मटन ऐड कर लेंगे। 2 मिनट इसे भी भून लेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। सबसे पहले हम अदरक लहसुन ऐड करेंगे। 2 मिनट तक भून लेंगे। अब हम बाकी के मसाले भी ऐड कर लेंगे और उसे अच्छे से भून लेंगे 5 मिनट्स तक। 5 मिनट्स हो गए हैं, गोश्त मसालों के साथ अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे। टमाटर को गोश्त और बाकी मसालों के साथ 5 मिनट्स तक भून लेंगे। देखिए टमाटर अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें 1 ग्लास वाटर ऐड कर लेंगे। कुकर का लिड लगाकर 6 से 7 विजल्स तक इसे अच्छे से पका लेंगे हाई फ्लेम पर। 7 विजल्स हो गए हैं, अब हम लिड ओपन कर लेंगे। देखिए गोश्त अच्छे से गल गया है। अब हम फ्लेम ऑन कर लेंगे और 10 मिनट्स तक गोश्त को अच्छे से भून लेंगे। 10 मिनट्स हो गए हैं, देखिए हमने गोश्त को अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें इमली का खट्टा ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें 1 ग्लास वाटर ऐड कर लेंगे और इसका अच्छा सा शोरबा बना लेंगे। 1 उबाल आने तक हम इसे पका लेंगे। देखिए उबाल आ गया है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गर्म मसाले का पाउडर। मसाले डालकर एक बार चम्मच चला लेंगे। फ्लेम को लो कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल का आटा, जिसे हमने पीस के रख लिया था। चम्मच चलाते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 5 मिनट्स तक पका लेंगे 1 उबाल आने तक। देखिए कड़ी में उबाल आ गया है। अब हम इसमें हरी मिर्च और करियापाक ऐड कर लेंगे। देखिए कड़ी अच्छे से पक गई है। इस पॉइंट पर आप कड़ी की कंसिस्टेंसी चेक करें। अगर कड़ी ज़्यादा गाढ़ी हो तो उसमें थोड़ा वाटर ऐड कर लें। अब हम फ्लेम लो कर लेंगे और 5 मिनट्स तक इसे पका लेंगे लो फ्लेम पर। 5 मिनट्स हो गए हैं, अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे। देखिए हमारी ज़बरदस्त चटपटी मज़ेदार कड़ी तैयार है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ये कड़ी चाहे आप ज्वारी की रोटी के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं या राइस के साथ खाएं, सबके साथ ये मज़ेदार लगती है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।